वेलकम टू न्यू लेसन। अभी तक हम सारा अपना ग्राउंड वर्क तैयार कर चुके हैं, सारा हम सेटअप कर चुके हैं, हम ऑडियंसेस बना चुके हैं, हम ट्रैकिंग कोड्स लगा चुके हैं, हम सारी चीजें कर चुके हैं। अब हमें जस्ट एड बनानी है, राइट? तो आप देख सकते हो कि एड बनाना जो है वो सबसे इजी चीज है। सारा जो मेन काम है वो करना है एड बनाने से पहले। अगर आपने जस्ट फोकस किया एड बनाने पे, देन कुछ नहीं होने वाला, राइट? क्योंकि एड बनाना अपने आप में कुछ है ही नहीं, राइट? एड बनाना क्या है? आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड यू आर डन, राइट? बट जैसे आप देखोगे, जैसे हम घर बनाते हैं, है ना, अब घर बनाना जब आप स्टार्ट करते हो तो उससे पहले आपको उसकी फाउंडेशन देनी पड़ती है, उसकी नींव देनी पड़ती है। और अगर नींव मजबूत नहीं है तो आपका घर मजबूत नहीं बनेगा। उसी तरीके से अगर आपने अपना ग्राउंड वर्क सही नहीं किया, आपने ट्रैकिंग सही नहीं की, आपने पेजेस अच्छे नहीं बनाए, आपने बाकी सारी चीजें नहीं की, तो ये काम एड बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। अब लोगों को क्या लगता है कि भैया एड बना दो एंड यू आर डन, बट ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है? अब हम फाइनली एड बनाते हैं, ठीक है? सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सर्च बनानी है तो मैं सीधे गया, मैंने किया न्यू कैंपेन और क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल किया। और मैंने यहाँ पे से मैं सर्च बना रहा हूं तो मैंने लिया सर्च और यहाँ पे मैंने सिंपल कंटिन्यू किया, ठीक है जी? और कैंपेन का नाम लिखा आपने यहाँ पे, जो भी आपको लिखना है। देन जैसे मैंने आपको बता रखा था कि सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क का मैं फैन नहीं हूं, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल मैं लिख देता हूँ से क्लास 10th मैथ ट्यूशन, ठीक है? और ये मैंने डाल दिया, ये दोनों हटा दिए। शो मोर सेटिंग्स, स्टार्ट एंड डेट छोड़ो, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन छोड़ो, डायनेमिक सर्च हमें कुछ करना नहीं, तो इसको हटाते हैं। लोकेशन से मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर, तो यहां से मैंने इसको टारगेट किया दिल्ली, है ना? और पीपल इन रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन किया मैंने। लैंग्वेज मैंने सारे ले लिए, ऑडियंसेस मुझे कुछ लेना नहीं है, और बजट का मुझे कुछ करना नहीं, हाँ बजट का मुझे करना है। से मैंने डाल दिया बजट है मेरा डेली का 1000 रुपये पर डे। और सेलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी किया मैंने, और इसको मैंने किया मैनुअल सीपीसी, और कन्वर्जन को अगेन छोड़ो यहाँ से। ये जो हमारा ये है लीड्स जीए गोल, वही हमारा मेन कन्वर्जन इवेंट। एड शेड्यूलिंग कुछ करना नहीं, एड रोटेशन हम डू नॉट ऑप्टिमाइज कर देते हैं, हम सबको चलने देते हैं बराबर। एक्सटेंशन में कोई लगा नहीं रहा, आपको लगाना पता ही है कैसे लगाते हैं, सिंपल कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। और थोड़ा इसको हम आगे प्रोसीड करने देते हैं, थोड़ा सा रुक रहा है। ओके, कुछ हाँ आ गया आ गया। अब एड ग्रुप का नाम दे देते हैं से, ये मैं इसमें टारगेट कर रहा हूं, मैं मैथ्स होम ट्यूशन फॉर क्लास 10th, ठीक है? से मेरा डिफॉल्ट बिड है 40 रुपए, कीवर्ड रिसर्च आपको पता ही, अब मैं इसको करूंगा एग्जैक्ट मैच, और से यही मेरा कीवर्ड है, ठीक है? ये मैंने कीवर्ड लिया और ब्रैकेट लगाया, मैंने बंद किया इसको, और इसको मैंने किया सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अब अपनी अल्टीमेटली एड बनाई, तो यहाँ पे मेरा फाइनल यूआरएल है, ये रहा यूआरएल मेरा। ये यूआरएल मैंने लिखा headline 1 मैथ्स होम ट्यूशन फॉर क्लास 10, ये पूरा आ नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है जी? और ये छोड़ो, और देखो ये बड़ा हो गया। और देखो यहाँ पे अब स्पेसिंग की प्रॉब्लम आ रही है, पूरा आ नहीं रहा, एक्सीड हो जा रहा है। मैथ्स होम ट्यूशन,
इसको यहां पे इतना छोड़ते हैं और आगे लिखते हैं फॉर क्लास 10th, ठीक है। हेडलाइन टू, नहान स्कोर 90+ मार्क्स इन मैथ्स, और यहां पे डाल दिया मैथ्स और होम, और यहां पे मैंने कर दिया ट्यूशन, ठीक है, सिंपल। और डिस्क्रिप्शन ले लिया वांट टू स्कोर 90+ मार्क्स इन मैथ्स इफ यस देन आर मैथ्स आर होम मैथ्स होम ट्यूशन इज वांट टू स्कोर, मतलब इसको थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, एग्जैक्टली अभी मेरे माइंड में आ नहीं रहा। सो ये डिस्क्रिप्शन वन और डिस्क्रिप्शन टू लिख दोगे, और इसी को मैं रिपीट कर देता हूं यहाँ पे, और इसको कर दोगे सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है, बहुत ही सिंपल। और कंटिन्यू टू कैंपेन, अभी सर्च कैंपेन बन गया। अब यहाँ पे आओगे ऑडियंसेस में, और यहाँ पे वो ऑडियंसेस एक्सक्लूड कर दोगे जो ऑलरेडी आपकी लीड बन चुकी है। तो कल हमने ऑडियंस बनाई थी अगर आपको याद हो, तो हम उन्हें एक्सक्लूड कर देंगे जो कि ऑलरेडी मेरी लीड्स होंगी। तो यहाँ पे मैं अगर रीमार्केटिंग पे जाऊं, वेबसाइट विजिटर, तो देखो ये लीड्स आ रहा है, इसको यहाँ पे लेंगे और इसको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा ताकि जो ऑलरेडी लीड बन चुके हैं वो उन्हें मेरी एड ना दिखे। समटाइम्स इन्हें भी एड दिख जाती है क्योंकि कोई कुकीज डिलीट कर देता है या किसी ने एक्सटेंशन लगाया होता है, क्रोम एक्सटेंशन, जो कि ट्रैकिंग वगैरह नहीं होती, जिसकी वजह से उस वजह से एड दिख जाती है। तो ये सिंपल यहां से आप उनके लिए एड बना लोगे। अब इनके लिए आप रीमार्केटिंग की एड रन करना चाहते हो डिस्प्ले, तो बहुत सिंपल है, न्यू कैंपेन करोगे, विदाउट अ गोल करोगे, डिस्प्ले करोगे, स्टैंडर्ड डिस्प्ले ले लोगे, कंटिन्यू करोगे, बाकी सारी चीजें आपको पता ही है। आपको करना क्या है, जस्ट आपको आना है ऑडियंसेस के अंदर, ठीक है, और टारगेटिंग वगैरह आपको पता ही है, मैनुअल सीपीसी हम लेते हैं हर जगह, यहाँ पे आप सीपीएम भी ले सकते हो। तो आपको ऑडियंसेस में आना है, ब्राउज में आना है, रीमार्केटिंग में आना है, वेबसाइट विजिटर आप ये ले लो, विजिटेड लैंडिंग पेज, ऐसे लोग जिन्होंने लैंडिंग पेज विजिट किया है, इनको लेके आप क्या कर दोगे, अपनी एड बना दोगे, इसको ऑफ कर दोगे। जैसे आपने सीखा है एड बनाना सिंपल, वैसे ही आप रीमार्केटिंग एड डिस्प्ले की भी यहां से बना दोगे, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा आसान, ठीक है। तो जो मेन काम है वो एड बनाने से पहले का है, एड बनाना जो है वो सबसे छोटा काम है, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेसन।